गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 6 मैथ शॉर्ट ट्रिक का रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में अगर लिमिट दी गई है और हमें मैग्नीट्यूड ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ साइन एक्स ये कॉमन टर्म होगा। ये देखिए, हमने 3 क्वेश्चन दिए हैं और इन तीनों क्वेश्चन में साइन एक्स मैग्नीट्यूड ये कांस्टेंट टर्म है और लोअर लिमिट 0 ये भी कांस्टेंट है, मतलब 0 ही रहनी चाहिए। लेकिन ये जो अपर लिमिट है ये पाई के टर्म में होना चाहिए, है ना। तो हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है जिसकी मदद से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है इंटीग्रेशन 0 टू ए पाई। ये देखिए ए, इसमें इन तीनों क्वेश्चन में ए की वैल्यू डिफर कर रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ साइन एक्स डी एक्स सेम क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू होती है बेटा 2a। इसकी वैल्यू क्या होती है 2a। तो अब यहाँ a की वैल्यू देखिए, हम तीनों क्वेश्चन में अलग अलग हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 8 है, यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, यहाँ पर a की वैल्यू 6 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 8। इसका आंसर क्या होगा, 2 × 2। इसका आंसर क्या होगा, 2 × ठीक है। तो इस तरीके से हमने जाना कि हम देखिए, हमने एक मिनट भी नहीं लगा, सेकेंड लगा, हमने ऐसे क्वेश्चन का आंसर तुरंत ही निकाल करके दे दिया बाय मैथ्स शॉर्ट ट्रिक। दैट इज इक्वल टू 16, दैट इज इक्वल टू 4। आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही एक शॉर्ट ट्रिक और लेकर के आते हैं आपके पास। देखिए एक क्वेश्चन और आपके सामने, ये क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आई आपने पढ़ा होगा, तो आई की वैल्यू आपने ये भी पढ़ी होगी कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। आई क्या है, इमेजिनरी नंबर है। आई क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो कंपटीशन में कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं। इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे बेटर तरीका है, पहली बात तो हमको ये देखना है कि ये आई वाले कितने टर्म हैं, आई वाले टर्म कितने हैं। तो देयर आर 4 टर्म्स, क्वेश्चन में 4 टर्म्स ही होंगे, ठीक है। 5 टर्म्स नहीं दिए रहेंगे क्योंकि 5 टर्म्स का सॉल्यूशन होगा, ठीक, और 4 टर्म्स का सॉल्यूशन नहीं है, ट्रिक है। और दूसरी चीज, ये जो पावर आप देख रहे हैं ये पावर कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, ये नंबर एक तरीके से लगातार आने वाले नंबर होने चाहिए। जैसे देखिए 32 के बाद 33, 33 के बाद 34, 34 के बाद 35, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें आई से रिलेटेड 4 टर्म हो और उनके ऊपर जो पावर हो वो कंसेक्यूटिव हो, उसका आंसर होता है 0। इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है।
तो ओके बेटा, आज आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट आपके लिए लेक्चर 7 लेकर के आएंगे। थैंक यू।